साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में बहुत बड़ी खबर है। आकांक्षा के गुनहगार माने जा रहे संजय सिंह को जो बेल मिली है उसी जमानत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और खबर इतनी बड़ी है कि खलबली मच गई है क्योंकि आरोप पुलिस पर है। खुलासा आकांक्षा दुबे की मां के वकील ने किया है और आरोप खुद मधु दुबे ने लगाए और साफ कह दिया है कि बड़ा खेल हो गया है, जानबूझकर पुलिस कमजोर पड़ गई जिसके बाद महाबवाल हो गया क्योंकि संजय सिंह करीब 2 महीने तक जेल में रहने के बाद जेल से बाहर आ गया है जबकि मधु दुबे ने समर के साथ साथ संजय सिंह पर भी आरोप लगाए थे। तो बताते हैं आपको पूरा अपडेट क्या है, नया ड्रामा क्या है, खलबली कैसे, सब कुछ यहां पर हो रहा है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि जमानत कितनी सही है कितनी गलत। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 25 मार्च की मनहूस रात थी जब आकांक्षा दुबे को खत्म कर दिया गया और आकांक्षा को खत्म करने का आरोप सीधे सीधे समर सिंह पर लगा, उसके दोस्त संजय सिंह पर लगा और यही नहीं इसके बाद इन दोनों ने जो जो टॉर्चर आकांक्षा पर किए उनका भी खुलासा हुआ। अब समर सिंह लगातार कोशिश करता रहा कि उसे जमानत मिल जाए लेकिन उसे बेल मिली नहीं और संजय सिंह ने सिर्फ एक बार जमानत के लिए कोशिश की और उसे पहली ही कोशिश में जमानत मिल गई। जी हां, पहली कोशिश में संजय सिंह को बेल मिल गई है और संजय सिंह सलाखों के बाहर आ गया। अब मगर इसी पर बवाल मच गया क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे और उनके वकील ने बवाल काट दिया और इसे सबसे बड़ी गलती करार दिया है, खाकी पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, सीधे सीधे खाकी पर यानी कि पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कहा कि संजय सिंह के केस में जानबूझकर पैरवी कमजोर की गई है, जानबूझकर संजय सिंह के केस को कमजोर किया गया और जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। अब यहां पर सीधा सीधा और पहला आरोप सीधे सवालों के घेरे में पुलिस को खड़ा कर दिया। आगे देखिए, आकांक्षा की मां का कहना है कि संजय सिंह समर सिंह से भी बड़ा दोषी है क्योंकि आकांक्षा को टॉर्चर करने में सबसे बड़ा हाथ संजय सिंह का ही है। संजय सिंह ने आकांक्षा के सोशल मीडिया अकाउंट से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि कमाई है और वो सारे के सारे पैसे आकांक्षा को नहीं दिए गए जबकि संजय सिंह ने सारे अपने अकाउंट में डलवा दिए गए। यही नहीं, आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि आकांक्षा लगातार अपने पैसे को मांगती रही लेकिन ना तो उसे पैसा मिला और ना ही कोई काम। यही नहीं, मधु दुबे ने कहा कि आकांक्षा को पैसों की खातिर मार दिया गया, पैसों की खातिर आकांक्षा को पहले टॉर्चर किया गया और फिर उसे खत्म कर दिया गया और इसमें तो संजय सिंह का हाथ नहीं है बल्कि सबसे बड़ा हाथ संजय सिंह का है। यह कहें कि पैसे का पूरा मामला तो संजय सिंह ही देखता था और उसी वजह से संजय सिंह इस केस में समर सिंह के बराबर का गुनाहगार है और ये बात आकांक्षा की मां ने कही है लेकिन फिर भी संजय को जमानत मिल गई है। आकांक्षा की मां ने कहा कि ये पुलिस का फेल्योर है, जानबूझकर पुलिस ने केस को कमजोर क्यों कर दिया इस पर सवाल। आकांक्षा को खत्म करने में संजय सिंह का हाथ बहुत बड़ा है, समर सिंह के बराबर का रोल है। तो अब संजय सिंह को जमानत तो मिल गई है, वो जेल से बाहर भी आ गया है लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ सकता है क्योंकि अगर संजय सिंह इस जमानत के खिलाफ मधु दुबे हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट से जमानत अगर रद्द होती है तो फिर हाई कोर्ट में वापस से जमानत पर जाने का मौका या कहें कि ऑप्शन होगा नहीं और सीधे सीधे जमानत के लिए संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा और वहां पर पहले तो सुप्रीम कोर्ट में केस की हियरिंग हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है और वहां से जमानत मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां इतने सारे केस हैं कि वहां पर केस का नंबर आने में ही महीनों लग जाते हैं। तो लिहाजा कुल मिलाकर संजय सिंह के लिए अभी रास्ता मुश्किल ही, अभी रास्ते आसान नहीं हुए और आगे और ज्यादा मुश्किल हो सकता है अगर हाई कोर्ट ने इस पर डंडा कर दिया। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय सिंह को जमानत मिलना बिल्कुल ठीक फैसला है या फिर इस फैसले पर सवाल उठाना बिल्कुल ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पिछले 2.5 महीने से अनुराधा सिंह पुलिस को गच्चा दे रही है। 2 बार तलब किए जाने के बाद भी अनुराधा वाराणसी पुलिस के सामने पेश होने आई नहीं और 2.5 महीने से पुलिस अनुराधा से पूछताछ की कोशिश कर रही है मगर ये हो नहीं पा रहा है। पहले तो पुलिस ही ढीला रवैया दिखाती रही, पुलिस ने खुद आरोपियों को फरार होने का मौका दे दिया, ऐसा लगातार आरोप वकीलों की तरफ से लगाया जा रहा है और जब मामला गंभीर हुआ यूपी के सीएम का प्रेशर आया तो पुलिस थोड़ी सी अलर्ट हुई मगर फिर भी पुलिस के हाथ अनुराधा सिंह लगी नहीं। अब मधु दुबे ने जब कोर्ट का रुख किया तो तब से पुलिस थोड़ी सी सीरियस हुई और एक टीम बनाकर मुंबई भेजी गई है ताकि अनुराधा सिंह को वाराणसी लाया जा सके और आकांक्षा मामले में पूछताछ की जा सके। अब वाराणसी पुलिस सबसे पहले अनुराधा सिंह जहां किराए पर रहती थी उस एड्रेस पर पहुंची है मगर वहां पर बताया गया कि अनुराधा शूटिंग के लिए गई हुई है।
तो पुलिस वहां पर भी पहुंची जहां इमली सीरियल की शूटिंग चल रही थी। अब पुलिस का एक दिन तो इसी में खराब हो गया। अब सामने आया है कि जब पुलिस शूटिंग सेट पर पहुंची तो उस वक्त अनुराधा वहां पर नहीं थी। पुलिस को सेट से बताया गया कि इमली शो में पिछले 3 दिन से अनुराधा का एक भी सीन शूट नहीं हुआ। अनुराधा ने अपनी तबीयत खराब होने की इन्फॉर्मेशन दी और 3 दिन से अनुराधा शूटिंग के सेट पर नहीं आई है। पुलिस लगातार अनुराधा का मोबाइल भी ट्राई करती रही लेकिन फोन भी स्विच ऑफ आता रहा। अब पुलिस समझ गई कि अनुराधा बड़ा गेम खेल रही है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जिसके पीछे पड़ जाए तो छोड़ती नहीं है। अब सूत्रों की माने तो पुलिस ने शनिवार को अनुराधा के बारे में और डिटेल निकाली तो सामने आया कि अनुराधा का अपने सहेली के घर जाना हुआ। ज्यादातर अनुराधा अपनी सहेली के घर पर ही नाइट स्टे करती है। तो पुलिस दूसरे दिन यानी कि 3 जून को अनुराधा की सहेली के घर भी पहुंच गई। अब सूत्रों के मुताबिक वहां पर काफी देर तक बेल बजाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो इसके बाद पुलिस ने अनुराधा की सहेली को ही फोन कर लिया तो पता चला कि वो तो पिछले 15 दिनों से मुंबई में है ही नहीं और उसे अनुराधा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने अनुराधा की सहेली से पूछा कि और कौन से ठिकाने हैं जहां पर अनुराधा हो सकती है, तो सूत्रों के मुताबिक सहेली ने कहा कि उसे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, वो होम टाउन में आई है और किसी करीबी की तबीयत ज्यादा खराब है इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और ये कहकर फोन काट दिया। अब पुलिस समझ गई कि अनुराधा बेहद शातिर है, इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है, और पुलिस को लगने लग गया कि जो भी आरोप मधु दुबे ने लगाए हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ दम है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आकांक्षा की माँ मधु दुबे ने समर सिंह, संजय सिंह के साथ ही अपनी बेटी के मामले में अनुराधा सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मधु दुबे ने आरोप लगाया कि अनुराधा ने आकांक्षा की जाने के तुरंत बाद जल्दबाजी में बॉडी को जलवा दी और जल्दबाजी में सारे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करवा दी। और मधु दुबे का ये भी आरोप है कि अनुराधा ने आकांक्षा का मोबाइल भी अपने पास रख लिया था, और इतना नहीं अनुराधा पर आरोप है कि उसने आकांक्षा के मोबाइल का सारा डाटा भी डिलीट कर दिया था ताकि पुलिस को किसी भी तरह का सबूत ना मिले, और ये आरोप लगाया गया लगातार। मधु दुबे ने ये पुलिस को बताया कि अनुराधा सिंह इस समय स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल इमली में काम कर रही है। अब सूत्रों के मुताबिक पुलिस पहले मधु दुबे के आरोपों को हल्के में ले रही थी, लेकिन जब अनुराधा पुलिस को घुमाने लगी तो पुलिस को समझ में आ गया कि अनुराधा बेहद शातिर है और उसे पकड़ना आसान नहीं है। सामने आया है कि वाराणसी पुलिस की इस टीम को 2 दिन का वक्त मिला था, मगर दोनों दिन पुलिस के हाथ अनुराधा नहीं लगी। अब हो सकता है कि पुलिस की टीम को खाली हाथ लौटना पड़े, या फिर हो सकता है कि पुलिस की टीम वक्त भी बढ़ाए। लेकिन अब पुलिस टीम अपनी रिपोर्ट में अनुराधा की इन सारी हरकतों को बताएगी और हो सकता है कि बकायदा कोर्ट से वारंट लेकर वापस से मुंबई जाए ताकि अनुराधा पुलिस को कच्चा ना दे पाए, और अब की बार वाराणसी पुलिस मुंबई पुलिस की भी मदद ले सकती है। तो अनुराधा के शातिर बने पर आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।